वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना तीसरा बजट पेश किया है और इस दौरान कई बड़ी सौगातों का ऐलान किया गया। सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से आत्मनिर्भर भारत पैकेज कई योजनाओं को कोरोना काल में देश के सामने लाया गया ताकि अर्थव्यवस्था की रफ्तार को बढ़ाया जा सके। आत्मनिर्भर भारत पैकेज कुल 27.1 लाख करोड़ रूपये की मदद जारी की गई। ये सभी 5 मिनी बजट के समान थी। वहीं वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान किया। सरकार की ओर से 64,180 करोड़ रूपये इसके लिए दिए गए हैं और स्वास्थ्य के बजट को बढ़ाया गया है। वहीं निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुना करने की ओर काम कर रही है। यूपीए सरकार से करीब 3 गुना राशि मोदी सरकार ने किसानों के खातों में पहुंचाई है। उन्होंने यह भी बताया कि मोदी सरकार की ओर से हर सेक्टर में किसानों को मदद दी गई है। दाल गेहूं धान समेत अन्य फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई। वहीं निर्मला सीतारमण की ओर से कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रूपये का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट को लेकर 137% बढ़ाया गया है। वहीं चुनावों से पहले वित्त मंत्री ने कई राज्यों को भी सौगात दी है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के लिए जो है 1.03 लाख करोड़ और इसी में इकोनॉमी कॉरिडोर बनाए जाएंगे और केरल में 65,000 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे। मुंबई कन्याकुमारी इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान उन्होंने किया है। Third, 675 kilometer of highway works in the state of West Bengal at a cost of 25,000 crores, including upgradation of existing road technology.